बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूंगी इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने का बहुत ही आसान तरीका। एक कप इमली को मैंने एक घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। अब एक बर्तन लेंगे और इमली को इसमें छान लेंगे। जो इमली का पानी है वो हम बर्तन में ऐड कर देंगे और जो इमली का पल्प है उसको भी हम चम्मच की मदद से ऐसे प्रेस कर लेंगे। अब 2 मिनट के लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये देखें, हमने इसे 2 मिनट के लिए पका लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप गुड़। तो आप चाहें तो गुड़ की जगह चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसे मिक्स करके गाढ़ा होने तक पका लेंगे। तो इसी दरमियान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि इसी से आने वाली मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो यहाँ पर देखें, चटनी हमारी गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया काला नमक, ठीक है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च का पाउडर। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा, ठीक है, भुना कुटा जीरा आपने इसमें ऐड करना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो ये तमाम चीज़ें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं। और 2 मिनट पकाने के बाद हमारी बहुत ही मज़ेदार इमली की खट्टी मीठी सी चटनी तैयार हो जाएगी। तो ये बहुत सी रेसिपीज में हमें काम आने वाली है। चना चाट में काम आएगी, फ्रूट चाट में काम आएगी, आप समोसा चाट बनाएं उस पर काम आएगी, आप वैसे पकौड़ों के साथ इसे खाएं बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की खट्टी मीठी सी इमली की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। और मेरे चैनल पर और भी बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज हैं, वो भी ज़रूर देखें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।